जो मेरे बड़े छोटे सभी मेरे दोस्त हैं और वो चाहते हैं उनके बाल फटाक से लंबे हो जाएं, जल्दी जल्दी लंबे हो जाएं, बालों की ग्रोथ जल्दी से चाहिए, बालों में गंजेपन की प्रॉब्लम आ गई है, कैसे वो सॉल्व करें, घरेलू नुस्खा वो क्या ट्राई करें, बाहर के प्रोडक्ट यूज करके थक चुके हो, बहुत कुछ ट्राई किया है लेकिन बाल जो है ना वो टस से मस नहीं हो रहे हैं, गंजेपन का प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है, कैसे उस चीज को कंट्रोल में करें, बालों में से डैंड्रफ को कैसे खत्म करें, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी क्वेरीज, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। तो आज उन सबका एक घरेलू नुस्खा, एक ऐसा मेथड जो आपको कंटिन्यू यूज करना है, क्योंकि एक बार यूज करने से जो 100 में से 5 से 6% का प्रॉब्लम जो है आपका वो सॉल्व होगा। अगर पूरा 100 का 100 आपने परसेंट क्लियर करना है, बालों की सभी इश्यूज को खत्म करना है, तो उसके लिए इसे कंटिन्यू यूज करना पड़ेगा। और ये नुस्खा मेरे छोटे दोस्तों के लिए भी है, 12, 13, 14, 15 साल के उसके मतलब बड़े से बड़े दोस्त जो हैं और उनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो उनके लिए नुस्खा है, उन्हें ये रेमेडी बनानी पड़ेगी। लेकिन ये बनानी कैसी है, इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट आपको बाहर से परचेज करने पड़ेंगे। अगर आपकी किसी नुक्कड़ की दुकान से, आसपास की दुकान से, किसी मॉल में, किसी शॉप से, कहीं से भी आपको मिल रही है ना, वो चीज़ें ले लें। अगर नहीं मिल रही हैं तो नीचे आ जाइएगा, नीचे हमारी शॉप हमेशा खुली है, दिन रात जब मर्जी आप उसे बुक कर दीजिए, ऑर्डर कर दें, ऑर्डर प्लेस कर दें, जो भी चीज़ आपको चाहिए या नहीं मिल रही आपको मार्केट से। और उन सभी चीज़ों को कलेक्ट करके, सभी चीज़ को मिक्स करके हम बनाएंगे एक नुस्खा जिसकी मदद से बालों में शाइन भी आएगा, बालों की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी, गंजेपन का समस्या जो है, प्रॉब्लम जो है वो भी खत्म हो जाएगा और बालों में शाइन भरपूर मात्रा में आएगी। तो चलिए देख लेते हैं इस नुस्खे को कैसे बनाना है, कैसे अप्लाई करना है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है और जो बेल आइकन है उस पर क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि मेरा आने वाला वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपसे स्किप ना हो पाए। तो दोस्तों, इस रेमेडी को बनाने के लिए जो आपके बालों को लंबा करेगी, मजबूत बनाएगी, उसके लिए सबसे पहले आपको मलाई लेना होगा। दूध के ऊपर जो घर में मलाई आ जाती है वो आपको लेनी होगी। मलाई हमारी स्किन को सॉफ्ट करती है, मॉइस्चराइज करती है और हमारे बालों को लंबा करने में कैसे हमारी हेल्प करेगी मैं वो आपको बताऊँगी, क्योंकि मलाई की मदद से हमारे बालों में ड्राइनेस खत्म हो जाएगी, डैंड्रफ खत्म हो जाएगा, बालों में चिकनाई आएगी जिससे बालों में लचक आएगी और बाल टूटने बंद हो जाएंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ जो इंग्रेडिएंट हम इसके अंदर मिक्स करेंगे जिससे हमारे बालों का लंबा होना लाजमी है, उसमें सबसे पहले आता है ऑलिव ऑयल। ऑयली ऑयल हम इसके अंदर डालेंगे क्योंकि ऑलिव ऑयल की सहायता से हम अपने बालों को लंबा कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल के अंदर सभी ऐसे इंग्रेडिएंट हैं, सभी ऐसे तत्व हैं जो आपके बालों को लंबा करने में आपकी मदद करते हैं, बालों की ग्रोथ में बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं। ऑलिव ऑयल के अंदर सभी ऐसे एंटीसेप्टिक तत्व पाए जाते हैं जो आपकी स्किन के अंदर जाकर, जहाँ पर आपके बालों की ग्रोथ रुक गई है, जड़ें सूख गई हैं या बंडी बंद हो गई हैं, उनमें ग्रोथ लेकर आने में आपकी बेहद हेल्प करता है। तो मैं 1 चम्मच ऑलिव ऑयल का इस मलाई के अंदर मिक्स कर दूंगी। दोस्तों, ये हमने इसके अंदर 1 चम्मच मिक्स कर दिया है, दोनों को अच्छी तरह से मिला लेना है आपने, वो हम लास्ट में मिक्स करेंगे। जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है दोस्तों, अगला जो चीज़ हमने डाली है वो है फ्लैक्स सीड। आई डोंट थिंक सो कि मुझे बताने की ज़रूरत है कि अलसी का जो तेल होता है, फ्लैक्स सीड ऑयल जो है, वो क्या काम करता है। इसके ऊपर मैंने स्पेशल एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। और ये भी हम डालेंगे 1 चम्मच, क्योंकि फ्लैक्सीड ऑयल बहुत बढ़िया होता है हमारे बालों के लिए, इवन हमारी स्किन के लिए भी ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है। इसकी भी मैंने रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर की है, आप ज़रूर चेक कीजिए चैनल के ऊपर, फ्लैक्सीड के ऊपर मैंने क्या रेमेडी बनाई है, फ्लैक्सीड जेल हम नॉर्मली घर पे कैसे बना सकते हैं वो भी मैंने बताया हुआ है। अगला है लेमन एसेंशियल ऑयल, इसकी कुछ बूंदें मैं इसके अंदर डालूंगी। लेमन एसेंशियल ऑयल क्या काम करता है, 3 बूंदें मैंने इसके अंदर डाली हैं। लेमन एसेंशियल ऑयल आपके बालों में डैंड्रफ नहीं होने देता, मतलब आपके बालों को सूखा नहीं रहने देता, ये चिकनाई आपके बालों में रखता है ताकि बाल टूटे ना, क्योंकि जितना बाल टूटते हैं फिर नए बाल वहाँ पे ग्रोथ होती है बालों की, और क्योंकि बाल जड़ से नहीं टूटते हैं, बीच में टूट जाते हैं, जड़ रह जाती है, तो फिर से बालों को लंबा होने में बहुत वक्त लगता है। तो बेटर है कि हम उन जड़ों को ही मजबूत कर दें, तो उसके लिए है हमारा लेमन एसेंशियल ऑयल। जो अगला एसेंशियल ऑयल हम इसके अंदर डाल रहे हैं दोस्तों, ये है रोजमेरी, जो डैंड्रफ को ख़त्म करता है, बालों को स्ट्रेट भी रखता है और बालों को झड़ने से रोकता है और बालों को लंबा होने में हमारी बहुत हेल्प करता है। ये सब इंग्रेडिएंट हमने इसके अंदर मिक्स करने हैं। अब मैं सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, मिला लूँगी।
इस रेमेडी को दोस्तों आपने अपने बालों की जड़ों में लगाना है, बालों पे नहीं लगाना, जड़ों में लगाना है। तो जड़ों के लिए ये काफी है, मेरे अकॉर्डिंग मेरे बालों के लिए काफी है। अगर आपके बालों की लेंथ बहुत ज्यादा है या आपके बाल काफी भारी बाल हैं आपके, और तो आपको थोड़ा ज्यादा बनाना पड़ेगा। अगर आपके बाल मेरी तरह हैं, हल्के हैं थोड़े से और बेबी कर्ल है आपके बालों में, तो आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा। इतना ही है, जितनी क्वांटिटी में मैंने बनाया है इतनी क्वांटिटी में चल जाएगा। आपने जस्ट बालों की जड़ों में इसे लगाना है, हल्की हल्की हाथों से मसाज करनी है धीरे धीरे करके, और इसे आपने 20 मिनट तक अपने बालों में रखना है। फिर किसी भी अच्छे से माइल्ड शैम्पू के साथ बालों को धो लीजिए। वीक में अगर, हफ्ते में अगर एक बार इस रेमेडी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। एक बार जरूर ट्राई करके देखेगा, बाल एकदम मजबूत हो जाएंगे और बाल लंबे भी होंगे। अगर आपके बालों की ग्रोथ बंद हो गई है ना, तो जरूर ट्राई करके देखेगा, बाल लंबे जरूर होंगे। जेंट्स भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जिनके बालों में गंजेपन का प्रॉब्लम आ गया है, बालों में बाल काफी झड़ रहे हैं, तो जेंट्स को ये काफी प्रॉब्लम रहती है, तो वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूर ट्राई करके देखिएगा, बिल्कुल नेचुरल रेमेडी है और घर की चीजों से बनाई है, इस्तेमाल कीजिएगा। बस आपको एसेंशियल ऑयल बाहर से खरीदने पड़ेंगे। और रही बात फ्लैक्सीड ऑयल की, ये देखिए आप, मैंने जेल भी बना के आपको दिखाया हुआ है जेल कैसे बनाते हैं फ्लैक्सीड ऑयल की, तो आप वो बनाइएगा। अगर फ्लैक्सीड ऑयल की ऑयल है आपके पास तो इसका इस्तेमाल कर लें, अगर ये नहीं है तो आप जेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 चम्मच या 1.5 चम्मच जेल जो है वो इस मलाई के अंदर मिक्स कर लीजिएगा। ऑलिव ऑयल डालना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि ऑलिव ऑयल थिक होता है और ये आपके बालों में चिकनाई पैदा करता है, बालों को लंबा करने में बहुत हेल्प करता है, तो इसका इस्तेमाल भी जरूर करें। ट्राई करके जरूर देखें, अगर ये रेमेडी, ये नुस्खा पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना भूलना नहीं है, लाइक जरूर कीजिएगा। सो एवरीवन, आई होप आपको ये नुस्खा पसंद आया होगा, ये रेमेडी पसंद आई होगी, तो इसे बना के ट्राई करके जरूर देखेगा, क्योंकि इस नुस्खे की मदद से आपके बालों में छोटी मोटी प्रॉब्लम, जैसे कि रूसी की प्रॉब्लम है, बाल बाल जड़ से जा रहे हैं, आपके जड़ें बहुत ज्यादा खींची सी रहती हैं, आपको लगता है कि आपकी बाल एकदम से एक हेयर स्टाइल कर सकते हैं दूसरा अगले दिन नहीं कर सकते हैं, तो इसका इस्तेमाल जरूर करें। बालों की समस्या, सारी प्रॉब्लम जो है वो खत्म होंगी, इससे बालों में लचक आएगी, बालों की जड़ें मजबूत होंगी, बाल सॉफ्ट होंगे, ड्राइनेस और डैंड्रफ का हमेशा के लिए खात्मा होगा। ट्राई कीजिएगा, रेमेडी पसंद आई है दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, नीचे कमेंट करिए, आपके कमेंट्स का मुझे हमेशा इंतजार रहता है। तो मिलूंगी नए नुस्खे के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।